फरवरी के एंडिंग में हमारा मस्जिद ट्रस्ट के हम लोग सब लोग बैठ के बात करेंगे कि मुंबई से के हमारे पीर जो सरकार पीर आदिल बेजापुरी, उनके बेटे बेजापुर से निकलेंगे, ये ईट अजमेर शरीफ जाएगी, अजमेर से मुंबई से हम लोग एक साथ सारे पीरों के साथ 1000 से ज़्यादा पीर और उलमा यहाँ से निकलेंगे और अयोध्या में पहुँच कर इंशाल्लाह ताला वो ईद पेश करेंगे फरवरी या रमज़ान बाद, आगे पीछे हो सकता है, तो वो उस दौरान ही हम करेंगे और काम शुरू किया जाएगा। जब मस्जिद पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम हमारी कमेटी पूरे दुनिया में, जैसे सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, मस्कत, कुवैत, ऐसी कई कंट्री के जो प्रिंस है, वहाँ के बड़े बड़े इमाम हैं, उनसे जब बातें की जाएगी और उनको इनवाइट किया जाएगा, जिसमें हरम के इमाम साहब को भी इनविटेशन दिया जाएगा और हम चाहेंगे कि इमाम हरम आए और पहली नमाज वो अदा करवाएंगे, ताकि देश और दुनिया के लिए उनका पहला कदम पड़ेगा और देश और दुनिया के लिए और अयोध्या के लिए और खूब सारी दुआएं करें, यहाँ पे नफरतें मोहब्बतों में बदल जाए और ये देश खुशहाल हो जाए और ये देश दुनिया का नंबर वन देश हो जाए। फरवरी से काम शुरू हो जाएगा जिस तरह से रमजान के लगभग, ये कोई पूरा बनके कब तक तैयार हो जाएगा, कोई डेडलाइन अगर आपने रखी है कि मतलब 2-3 साल के अंदर बनके तैयार हो जाए? उसमें कैसा है कि मस्जिद का तो जिस मस्जिद 1-1.5-2 साल के अंदर, मस्जिद का आर्किटेक्ट के हिसाब से 1.5-2 साल के अंदर मस्जिद का डिजाइनिंग वगैरह करके मस्जिद तैयार होगी, लेकिन उसमें कॉलेज है, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज है, और जब अस्पताल है, अस्पताल को ज़्यादा वक्त लगता है, तो अस्पताल के लिए होगा, लेकिन जब भी होगा एक ही साथ दोनों चीज़, नमाज है तो जिस दिन हम फाउंडेशन रखेंगे उस दिन से ही ऑफिस वहाँ बनाई जा रही, नमाज का इलाका बनाया जा रहा है, वहाँ नमाज है तो उसी दिन शुरू हो जाएगी, पर हम ये चाहेंगे कि पूरी चीज़ एक साथ बन, जब बन जाएगी तो पूरी दुनिया से जब लोग आएंगे, हमारे हिंदुस्तान से सब बड़े बड़े आलिम आएंगे, तो देखने वाली चीज़ होगी और उसी दिन से लोगों को फैज़ हासिल होगा, दुआ और दवा का केंद्र बिंदु होगा, मस्जिद में दुआएं होगी और अस्पताल में इलाज होगा, अल्लाह उनकी दुआओं से डॉक्टरों के हाथों में अल्लाह शिफा देगा।